देश में क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल चल रहा है और इस खेल की आड़ में कुछ लोग सट्टे का गोरख धंधा चला रहे हैं। जगह जगह पर सट्टेबाजों ने अपनी दुकान खोल रखी है। प्रशासन भी ऐसे लोगों पर नकेल कस रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सट्टा खिलाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लाखों रुपए भी बरामद किए हैं। कटनी पुलिस ने सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की। सीएसपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पहरिया गांव में ऑनलाइन सट्टा खिला रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 आरोपियों को वहां से गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 लाख रुपए के सट्टे का लेखा जोखा व 7 मोबाइल फोन सहित 3 मोटरसाइकिल और 9,000 रुपए कैश जब्त किए। इन सब की टोटल कीमत 4,80,000 रुपए है। सीएसपी ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना भाई अपने स्टाफ के साथ जाके रेड किए तो 4 व्यक्ति क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलवाते हुए मिले, जिन्हें की हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है। इनके कब्जे से मोबाइल, 7 नग मोबाइल फ़ोन और उसका चार्जर, कैलकुलेटर, मोटरसाइकिल, नकदी रकम, कुल संपत्ति 4,80,000 की जब्त की गई है। हिसाब किताब का रजिस्टर भी मिला है, जिसमें करीब 3 लाख का क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलवाने की जानकारी प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।